even get some calls. तो आज के वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एवी प्लेयर में ये जो बैकग्राउंड होता है इसमें आप मूविंग वीडियोस कैसे लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मैं NCS चला, थोड़ी आवाज कम कर लो, बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं ओके, इतनी सही है, नो बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा बहुत लैग मार रहा है, इसलिए मैं विजुलाइजर चेंज कर लेता हूँ। आपको बैकग्राउंड में या तो ब्लू स्क्रीन लगानी है, या तो आपको अगर आपका विजुलाइजर में ब्लू है तो आपको ग्रीन स्क्रीन लगानी है। ये तो अभी मैंने ये लगा रखा है ब्लू स्क्रीन। और उसके बाद हमारे को एक्सपोर्ट करनी है। तो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, NCS है, ध्यान से देख लो। और ये प्रीमियम आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, पर कस्टम विजुअलाइजर के लिए तो फिर हाँ आपको प्रीमियम चाहिए कस्टम विजुअलाइजर के लिए, नहीं तो कस्टम फिर नॉर्मल में बनती है। तो कस्टम विजुअलाइजर के लिए भी मैंने एक वो वीडियो बना रखी है, उसमें जो खाली टेम्पलेट था वो मैंने कैसे किया था, सबसे पहले इस पर क्लिक किया था, उसके बाद इनमें से एक किसी को भी कॉपी कर लिया था, डुप्लीकेट करने के बाद सारा उसका रिमूव कर दिया था और फिर अपना काम हो गया। कहाँ गया, ठीक है मम्बो। अब ना हमारे को ये वीडियो एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद ना जब एक्सपोर्ट हो जाएगी तब मैं आता हूँ। एक्सपोर्ट करने का भी आपको बता देता हूँ, इस पर क्लिक करना डाउनलोड आइकन पे, उसके बाद आपको प्रीसेट रखना होगा 720 पे रखना है, क्योंकि अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप कर सकते हैं 180p पे। मैं भी 180p पे ही, सारे जो मेरी वीडियो है विजुअलाइजर की वो 180p पे ही है, पर क्या है ना कि जब मैं 180p पे रिकॉर्ड करता हूँ ना तब कोई भी वीडियो हो मेरी, या तो एक्सपोर्टेड वीडियो ये वाली या तो वो वाली हो, वो काइन मास्टर ने सपोर्ट नहीं कर दिया, काइन मास्टर ने सपोर्ट नहीं कर दिया। एक और बस आपको ये वीडियो कोडेक सेलेक्ट करने, अभी आपको दिखा देता हूँ, OMX Google.H264 इनकोडर। अगर आपने कोई और इनकोडर लिया तो फिर आपका काम नहीं करेगा। और वीडियो कोडेक प्रोफाइल आपकी बेसलाइन और वीडियो विद, और ये सब सिर्फ प्रीमियम में ही है, ये जो बाकी है लोगों को हाइड कर देते हैं हम। और उसके बाद एक्सपोर्ट, अभी मैं आता हूँ। डाउनलोड करना होगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूट्यूब पे जाओ, लिखो काइन मास्टर प्रीमियम मोड APK और फिर वहाँ से डाउनलोड करो। मैंने भी वैसे ही डाउनलोड किया क्योंकि वाटर मार्क नहीं आता है। तो अभी हमारे को काइन मास्टर ओपन करना है, अभी सेटिंग भी ओपन कर रखी। काइन मास्टर ओपन करने के बाद इस बीच वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद 15:9 रेशियो ले लेना है, उसके बाद ये मीडिया ब्राउज़र खुल जाएगा। और अभी यार ये लोड नहीं होता मेरा जल्दी, मीडिया ब्राउज़र ये मेरा जल्दी लोड नहीं होता, क्यों भाई लोड क्यों नहीं होता, स्किप करते हैं। यहाँ तक कि मेरे नेटवर्क कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी ये लोड हो गया है और फिर अभी हमारे को अपनी जो बैकग्राउंड में हमारे को वो लगानी है, तो अभी हम वो ले लेते हैं, ये मैंने लगा दी। और फिर
हमारे को राइट कर देने, और जितनी भी है अब इसमें इस पर क्लिक करके ये जो वॉल्यूम वाला आइकन है इस पर यहाँ म्यूट कर देना है, जैसे कि अगर इसमें कोई आवाज़ होगी तो वो आवाज़ नहीं आएगी। तो अभी अपना सॉन्ग हमारा नहीं मम्बो जम्बो पर कॉपीराइट ना आए। ठीक है, अब हमारे को लेयर्स पे क्लिक करना है, और लेयर्स पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ से बैक होके और उसके बाद सेटिंग में जाके उसके बाद डिवाइस कैपेबिलिटी ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे अपनी लेयर्स चेक कर लेना। मेरे में 2 180p की लेयर्स आ सकती है, 4 720p की और 4 540p की, तो इतनी लेयर्स आ सकती है मेरे में। और अभी हम न्यू प्रोजेक्ट पे नहीं उसी पे क्लिक करना है, उसके बाद इस वाले आइकन पे। तो अब हमारे को लेयर्स पे जाना है, उसके बाद मीडिया और फिर से मीडिया। तो उस एरर को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस अपनी वो वाली लेयर लेनी होगी, वो वीडियो लेनी होगी, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके फिर से उसको ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमने सेव की थी वीडियो अब वो डाल देनी, और ये कई बार आते हैं, इसको ओके कर दो। और उसके बाद क्या करना है, आप बैक हो, उसके बाद इस पर क्लिक करो, उसके बाद फिर से इस पर क्लिक कर दो, और उसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन करना है। तो अभी जाते हैं हम क्रॉपिंग पे, क्रॉपिंग पे नहीं जाना है हमारे को, इधर जाना था खुद भूल गया, हमारे को बस पूरा बड़ा करना है। पूरा बड़ा करने के बाद यहाँ पे अब हमारे को, अभी आपको ये सब ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, अब हमारे को क्रोमा की पे क्लिक करना, उसके बाद इनेबल करते हैं कलर की। अब ओके, अब इस राइट पे क्लिक कर रहे हैं, अभी आ गया है। थोड़ी वीडियो चॉपी है, तो अभी हम इस लेयर की वॉल्यूम अप कर देते हैं थोड़ा, ऑटो वॉल्यूम से क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, यहाँ लेयर पे ट्रिम मारता हूँ, स्प्लिट टैग प्ले हेड, उसके बाद राइट, यहाँ पे ट्रांजिशन क्यों नहीं, लास्ट में करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ट्रिम स्प्लिट टैग प्ले हेड, इधर ट्रिम स्प्लिट टैग प्ले हेड, उसके बाद अब यहाँ पे ये ट्रांजिशन का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे कोई ट्रांजिशन, मैं डालूँगा 3D ट्रांजिशन, क्रैक फ्लिप, 3D फ्लिप, ठीक है, बाउंसी बॉक्स, अब उसके बाद राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चल रहा, I should not sing when my voice is coming all the time, mother's been slacking at me, oh my goodness. तो ये वीडियो 20K है, पर मेरा मोबाइल तो मीडियम है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद हमारे को इस आइकन पे क्लिक करना है जब हमारा हो जाएगा, और उसके बाद हमारे को पूरी हाई क्वालिटी करके एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट होने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, गुड बाय।